विकास के पथ पर अग्रसर भारतीय रेलवे अब पवन ब्रिज के साथ एक इंजीनियरिंग चमत्कार दुनिया को दिखाने की योजना बना रहा है। सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक के रूप में माने जाने वाला महान पवन कैटिलीवर पुल मुख्य रूप से मंडपम शहर को पवन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। नए पुल में 18 मीटर के 100 स्पैन और 63 मीटर के एक नेविगेशनल स्पैन होंगे। यह समुद्र तल से 22 मीटर की नौवहन वायु निकासी के साथ मौजूदा पुल 3.0 मीटर ऊंचा होगा। एएनआई से बात करते हुए दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा, पुराना पवन पुल 24 फरवरी 1914 को चालू किया गया था, इसलिए लगभग 108 साल बीत गए और अब नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया। इसकी अनुमानित लागत नया पुल 250 करोड़ रुपए का है और इसे इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है।